आप सभी का स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। तो आज हमारी बहन सुनीता हमारे बीच है, शादी करके पहली बार घर पे आई है और अभी शाम के बज रहे हैं 7 बज रहे हैं और यहाँ पे जस्ट अभी हम घर से बाहर निकले तो बारिश होना शुरू हुआ है, हल्का हल्का आप देख रहे होंगे बूंदे गिर रही चश्मे पे। और मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ रास्ते में और इस समय थोड़ा मुझे काम था मार्केट का, तो थोड़ा मुझे काम था तो मेरा भी काम हो जाएगा और इसकी फ्रेंड जो ज्योति है वो भी आ रही है जॉब से डायरेक्ट, हमारे यहाँ पे मॉल है वहाँ पे आई है तो मिलने के लिए आई है, फिर हम दोनों साथ में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? लरिया जाएंगे। तो क्या इतना रात में जाएंगे? नहीं छठ नहीं, पहले कब उससे मिल लो तो कपड़ा पहले ले लो। अच्छा अभी अभी कंफर्म नहीं है दरिया जाएंगे कि नहीं, मेन है मिलना फ्रेंड से, तो वो भी मॉल पे वेट कर रही है, मिलेंगे कुछ काम है क्योंकि वैसे अभी इतना शाम हो गया है तो शायद संभावनाएं कम है। जैसा भी रहेगा व्लॉग के अंदर आप लोग देखते रहिएगा। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं, पीछे देखो हनुमान जी का मंदिर है और हम पहुँच गए हैं मॉल पे। और ये देखिए संगीता और ये हमारे यहाँ पे, ये जो देख रहे हो ना यहाँ पे मैंने कार सीखा था। एटीएम बंद है और ये संगीता घुस गई मॉल। इस दुकान पे ज्योति आई है अपने लिए कपड़ा खरीदने और साथ में मेरी बहन भी है उसके साथ में। ये है ये भाभी, मैं देख ज्योति कपड़ा ले रही है। कुछ पसंद आया ज्योति? तो गाइस ज्योति कपड़ा ले रही है और संगीता का बुलाई है चूज करने के लिए। पसंद आ रहा है तो चलो चूज कर देती है। तो चलो क्यों पसंद नहीं आ रहा है? डार्क कलर में तो ठीक है ना, डार्क तो जो नया जब नया पैटर्न आएगा तब ले लेना अभी चलते। तो गाइस अभी ज्योति जो है अपना ड्रेस चूज कर रही है, पसंद आ नहीं रहा है ज्योति को पसंद। 750 तक आएगा तो इसमें दिखा दो, बहुत है ज्योति ने कपड़ा ले लिया। ज्योति कपड़ा दिखाओ, देखो ये कपड़ा है, इसके अंदर पिंक कलर का कपड़ा है। अभी फिलहाल में दिखा नहीं पाएंगे, थोड़ी देर बाद हम लोग दिखाएंगे, अभी नहीं, एटीएम बंद है ना। बस ज्यादा लगी है लेकिन जाने वाली वो नहीं है ना, मैं भी दरिया पे जाऊंगी। गाइस अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं और जाएगी तो अभी 7:30 बज रहा है लेकिन फिर भी इन लोग कह रहे हैं कि हम लोग दरिये पे जाएंगे। और देखो ये लड़की अपना पर्स ना दुकान में ही भूल गई, पर्स नहीं बैग है वो, बैग है सॉरी, बड़ा वाला बैग है वो दुकान पे ही भूल गई तो वापस लेने जा रही है। देखो क्या बोल रही है, गाइस लोगों को सारा गलत बता रही है, गाइस लोगों को सारा गलत गलत नहीं बता रही हूँ। हे प्रभु उसको मैं सब गुंडी बोलने से मना नहीं किया, उसका नाम जागृति सही है क्या? गुंडा गुंडा करते रहते हो पहले से ही है ना। तो अभी हम लोग ना मॉल के नीचे ही खड़े हैं, यहाँ पे सीढ़ी है नीचे खड़े क्योंकि बारिश हो रही है ना, तो अभी यहाँ से ऑटो पकड़ के जाएंगे, आधे घंटे के लिए जाएंगे लेकिन जाएंगे जरूर क्योंकि लोग मानने वाली है नहीं और मुझे भूख लगी तो मुझे कुछ खिला भी देंगे। और ये जो है ना इसकी शादी हुई है तो पार्टी ही देने वाली है आज। yes. तो और कुछ स्पेशल होगा दरिये में पार्टी? स्पेशल पार्टी क्या, वड़ा पाव वाला ही मेन है, वही अच्छा नहीं है। अभी देखो कितना शाम जैसा हो गया है, अंधेरा होने वाला है, समय जाते जाते रात हो जाएगा, फिर शाम नहीं आ जाएगा। 8 बजे भी आए थे
से, मतलब 7 बज गया है, 7:30 पहले दीदी आधे घंटे में आ जाए। तो अब हम लोग जा रहे हैं दरिये पे, बैठ जाते हैं। जागृति को अच्छा नहीं लग रहा है। गाइस बहुत भीड़ हो चुकी है, मतलब बैठने को नहीं हो रहा हम लोग को। रिक्शे में बहुत भीड़ हो गई है। तो चलो तीन लड़की लोग हैं और एक आंटी है इधर पे, लेकिन तीनों आंटी जो है उम्र में बड़ी है। तो एक छोटी सॉरी है, एक छोटी है, दो बाकी बड़ी है, अम्मा है, आंटी की भी अम्मा है। को दिखाना चाहती हूँ। अभी यहाँ पे ना दिन पूरा ढल गया है, अंधेरा होने वाला है, लेकिन सामने आप देख सकते हो बादल का कलर कितना अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत ही पूरा येलो 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 बादल हो गया है। तो गाइस रिक्शे से हम लोग उतर गए हैं और इस समय हम लोग चल चल के दरिये पे जा रहे हैं। चल के नहीं, ऑटो से आए, अभी चल के जाए। हाँ तो ऑटो से ही उतर गए ना, वही मैं बोला रिक्शे से उतर गए, चल के जा रहे हैं। और गाड़ी आ रही है, देख के देखने आपको भी है। हाँ मेरे हाँ देख ही रहे हैं। और इस समय आप लोग देखोगे ना तो काफी ज्यादा अंधेरा हो चुका है, और इस समय 7:45 मतलब 7:45 हो रहे हैं, और अभी भी मतलब अंधेरा हुआ है, लेकिन इतना भी अंधेरा नहीं हुआ है, हम लोग दिख रहे होंगे आप लोगों को बराबर। तो हम लोग जा रहे हैं, ज्योति सुनीता और जागृति, और ये उमरगाम दरिये के पास में ही क्रिकेट ग्राउंड काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पे बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं उमरगाम के। और पीछे जो है वो स्कूल है, एमएम हाई स्कूल, बहुत पुराना स्कूल है। तो गाइस हम लोग दरिये पे पहुँच गए हैं, ये पीछे दरिया आप लोग देख सकते हैं, पीछे दरिया। और अब हम लोग दरिये पे थोड़ा जाएंगे अंदर की साइड में, और उससे पहले हम लोग थोड़ा नाश्ता करेंगे वड़ा पाव का, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी है। तो हम लोग दरिये पे पहुंच गए हैं और आप लोग को व्यू दिखाएंगे पीछे का, लाइट की वजह से दिख नहीं रहा है, बहुत सुंदर व्यू है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा, पूरा आसमान जो है ना येल्लो येल्लो दिख रहा है। देखो इसमें ना कैमरे की वजह से आपको बराबर दिखा नहीं पा रहा है, सामने और देख सकते हैं दरिया, आपको पूरा येलो येलो दिख रहा होगा। और सामने आंटी वड़ा निकाल रही है हमारे लिए, पाव नहीं मिल रहा है, पाव खत्म हो चुका है, तो वड़े से काम चला रहे हैं, तो वड़ा आ रहा है। और देखो ये हमारी डिश अभी खाली है, ज्योति भी खाली, ज्योति का पेट भरा क्या? मेरा भी नहीं भरा था, दीदी कुछ भी नहीं खाई हुआ सुबह से, कुछ भी नहीं लेके जाती हूँ, उसमें से खा नहीं पाते क्योंकि काम बहुत सारा है। इस समय कोई भी आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि रात के बज रहे हैं इस समय 8:10, तो पूरा दरिया जो है अभी खाली हो चुका है, ठीक है। वहाँ पे रिक्शा वाले भी चले गए, अभी हमको चल के जाना पड़ेगा रिक्शा पकड़ने के लिए। तो यहाँ पे बैठी है हमारी बहन सुनीता, ज्योति, जागृति, और सामने है वड़ा पाव का स्टॉल, यहाँ से हमने वड़ा पाव खा लिया है, अब यहाँ से निकलेंगे। तो गाइस वड़ा खा लिया है हमने, अब उसके बाद हम लोग आए हैं अभी यहाँ पे आइसक्रीम खाने के लिए, संगीता, जागृति, ज्योति। तो अब हम आइसक्रीम खाएंगे, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे, और ऑटो वाला भी यहाँ पे दिख नहीं रहा था, हमको चल के जाना पड़ेगा। और इस समय आप देखेंगे ना तो दरिये पे आपको कोई भी नहीं दिखेगा, पूरा दरिया आपको खाली खाली दिखेगा, सारे लोग जो घूमने के लिए आए सब चले गए, बाकी यहाँ पे जो स्टॉल है, लारी है, वही सब है, बाकी इनका पैकिंग चल रहा है, पैकिंग करके सब निकलेंगे। और अभी ज़्यादा नहीं, 8:10 ही हो रहा है, लेकिन देखो और आप लोग सुन सकते हो दरिये का आवाज़ कितना अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर।
अभी लोग आइसक्रीम का ऑर्डर किए हैं। अब हम यहाँ पे जो लकड़ी वाला ये टेबल बना हुआ है, अपना कुर्सी यहाँ पे हम बैठेंगे और बैठ के आइसक्रीम खाएंगे और दरिये का पूरा आनंद लेंगे। वाओ, बहुत मजा आएगा। काश दरिये के पास अगर घर रहता ना तो बस यही बनवा लो घर यार। हाँ, यही बगल में घर बनवाओ, पर यही रहने का मजा आ जाएगा ना। रोज सुबह शाम यहाँ पे वॉकिंग करने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, मजा आ जाएगा। अभी हम लोग रहते हैं स्टेशन पे, तो वहाँ से डेली हम आ नहीं पाते। वाओ, थैंक यू छोटी, थैंक यू छोटी। जा रहे हैं लेके खाना जाएंगे। तो इन पकड़ो थोड़ा, एक मिनट चश्मा लगा लो मैं। ब्लॉग बनाना है ना मुझको। चलो दो दो गिलास। थैंक यू, थैंक यू। तो गाइस आइसक्रीम ले लिया हम लोग, अब आइसक्रीम हमने एंजॉय किया। काफ़ी दिनों बाद बहन के साथ हम लोग घूमने के लिए गए थे, अच्छा लगा। शादी के बाद पहली बार मिलना हुआ, पहली बार कितनी बार मैं मिली हूँ, लेकिन घर पे तो पहली बार आई ना शादी के बाद, तो बहुत अच्छा लगा बहन के साथ घूम के। और फाइनली देखो ये हमारा घर आ चुका है और बड़ा हम खाए, मज़ा आ गया। तो वीडियो को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं और मिलेंगे फिर आप लोगों से नए ब्लॉग में धीरे धीरे बाबा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग हमें विदा दीजिए, हर हर महादेव। और नए ब्लॉग का इंतज़ार करेगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हरी हरी।